हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलन। देखो इस चैप्टर में हम लोग को टोटल 6 त्रिकोणमिति फलन पढ़ने हैं। कितने मेरे भाई? 6 त्रिकोणमिति फलन पढ़ने हैं। उसमें से हो जाएगा हमारा साइन कॉस टेन। साइन कॉस टेन आपको ऐसे रटना है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होगा मेरे भाई? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ये फंक्शंस करते क्या हैं? कोई भी राइट ट्रेंगल हमको जो पढ़ना है, राइट ट्रेंगल पढ़ना है क्या? वैसे तो ये और भी त्रिभुजों में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पढ़ना है वो राइट ट्रेंगल यानी कि समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में ये उसकी भुजा और कोणों के बीच में रिलेशन बताते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, कितने फंक्शंस है? 6। हमको यही 6 पढ़ने हैं और इसको कहाँ लगाना है? समकोण त्रिभुज में लगाना है। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोग जानते होंगे, जिसका एक कोण समकोण हो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे ये वाला कोण कितने का हो गया? 90 का है, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। इसमें आपको कुछ जानना पड़ेगा, समकोण अगर त्रिभुज है तो इसके समकोण के सामने वाला जो भुजा हमको मिलती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है मेरे भाई? कर्ण होती है। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, कुछ टीचर ऐसे बता देते हैं कि जिस पे त्रिभुज टिका रहता है, खड़ा रहता है, उसे आधार कहते हैं। ये कंसेप्ट रॉन्ग कंसेप्ट है मेरे भाई, रॉन्ग नंबर था ना, वैसे रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भर दिया जाता है, लड़का यही पढ़ लेता है कि जिस पे त्रिभुज बना रहेगा वो क्या होता है? आधार। नहीं भाई, ये गलत है। आप इसमें आधार और लंब डिसाइड तब तक नहीं कर सकते जब तक आप एक कोण को डिसाइड नहीं करेंगे। एक कोण के लिए एक ही आधार होता है। अगर मैं इस कोण की बात करूँ, तो इसके सामने का जो होगा मेरे भाई वो क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। उसके अलावा जो एक बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अगर मैं फिर से समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ इस तरह से, ये 90 डिग्री, लेकिन अगर मैं इस कोण की बात करूँ तो ये 90 के सामने क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण तो मिल ही जाएगा ये। अब इसके सामने का ये जो मिलेगा ये हमको लंब हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? लंब। इसके अलावा और जो एक हमारा बचेगा वो हो जाएगा आधार। ये 6 फंक्शंस समकोण त्रिभुज में लगाना। लड़का इसका 60 में रट लेता है, लाल बटे कक्का होता है, तो रट तो लेता है लाल बटे कक्का, लेकिन ये भूल जाता है साइन का कौन होता है, कास का कौन होता है, टैन का होता है। इसलिए आप TCS याद रखोगे। TCS जो कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो होती है, आपको ये नहीं याद रखना है, बस आपको TCS याद रखना है। इधर से TCS लाल बेटे कक्का, TCS लाल बेटे कक्का, टी से हो जाएगा टेन, तो यहाँ से टेन का जो वैल्यू आ जाएगा, मान लो किसी कोण थीटा के लिए हम बात करें तो टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब बटे आधार। आधार को ए से लिख देते हैं, लंब को एल से लिख देते हैं, टेन हो जाएगा लंब बटे आधार। कास, कास हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगर मैं किसी कोण थीटा के लिए बात करूं, कास हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और हमारा साइन जो हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लंब बटे कर्ण। ये शॉर्ट में इसको भी याद रखिए। कई लड़के बकलोल होते हैं जो यही भूल जाते हैं कि साइन का होता है, कास का होता है, टेन का। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो आप TCS याद रखो। पीछे से TCS लिखना है, लाल बटे कक्का लिखना है, इस तरह से इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। अब तीन ही याद करना है, बाकी इसको उलट दो। हमने बताया था ना टेन का उल्टा क्या होता है? काट। तो काट बनाना है तो यहाँ लिख दो कॉट थीटा। जैसे इसको उल्टा करो तो ये पलट जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसका उल्टा लिखना है मेरे भाई तो इसको लिख दो सेक। इसका उल्टा क्या होता है? सेक, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। साइन का उल्टा होता है मेरे भाई कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये 6 फंक्शंस के फार्मूलाज होते हैं। इसके अलावा दो फार्मूला आप और जानते ही होंगे, जो टेन थीटा होता है इसको हम लोग तोड़ सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा में। इसी को उल्टा कॉट थीटा कर देंगे तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, अर्थात हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हमको ये सब चीज़ों को आपको याद होना चाहिए, इन्हीं सब का यूज करके हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। इसके अलावा आपको तीन सर्वसंख्याएं आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा। सर्वसंख्या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो होती है इसको याद करना पड़ेगा। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, दूसरा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और तीसरा हो जाएगा मेरे भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तीन सारे संख्या याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है, इसको याद रखिए हम यूज करेंगे। इसके अलावा कोऑर्डिनेट जो होता है चतुर्थांश आप लोग जानते ही होंगे, ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि एंगलवा दे देगा, कहीं दूसरे में दे देगा, कहीं तीसरे में देगा, तो लड़का का नॉलेज नहीं होता है तो माइनस प्लस में गलती कर जाता है, फिर क्या होगा रैंक भाग जाएगा रह जाएगा मुंह बना के। तो आपको माइनस प्लस में गलती ना हो इसके लिए चतुर्थांश का नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं चतुर्थांश क्या होता है। ट्रेंड्स की बात करें, चतुर्थांश की बात करें, यहाँ से शुरू करते हैं मेरे भाई जीरो, फिर 90 आगे जाएंगे, मतलब एक चतुर्थांश कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, फिर अगर 90 इसमें भी ऐड कर देंगे 90 तो नहीं है 180 आ जाएगा, 90 फिर से ऐड कर देंगे तो 270 आ जाएगा, 90 फिर से ऐड कर दिए मेरे भाई कितना आ गया 360। आपको 360 तक ही पढ़ना है, क्यों? क्योंकि 360 ज़्यादा आएगा तो घुमा देंगे, मतलब 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसी में ऐड कर देंगे या फिर उसमें माइनस कर देंगे कम रहेगा, तो इसके बस इतना ही पढ़ना है। तो इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आप पढ़े 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इसमें क्या होंगे सारे पॉजिटिव होंगे मेरे भाई। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है यानी कि द्वितीय चतुर्थांश होता है, इसमें आपका साइन और साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है कॉसेक, ये दोनों क्या मिलेंगे पॉजिटिव मिलेंगे, इसके अलावा सारे निगेटिव मिलेंगे। इसमें आ जाएंगे तो टेन और टेन का उल्टा जो होता है कॉट, ये क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, इसके अलावा जितने क्या होते हैं सब निगेटिव। इसमें आ जाएंगे तो कॉस और मेरे भाई सेक, कॉस थीटा और क्या सेक थीटा, ये क्या मिलने वाले हैं पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव। तो इसको याद रखिए, बाकी ये सब याद रखिए, हम न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो बहुत तेज़ी से यूज करेंगे ये सब चीज़ों का। आप भी सीखे होंगे, नहीं सीखे होंगे तो हम यहाँ पर सीख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सवाल बनाते हैं, सवाल इसके बड़े बेहतरीन बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।